हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल जिसका नाम है प्रॉफिट ट्रेडर्स। तो दोस्तों, बिटकॉइन ने वीकली कैंडल जो है वो एग्जैक्ट $20,000 पे क्लोज की है। ओके, सो बुल्स यहाँ जो है वो बिल्कुल हिम्मत नहीं हार रहे और वो लगातार कोशिश कर रहे हैं कि यार जैसे तैसे बिटकॉइन को जो है वो वापस ऊपर पुश किया जाए। सो तुम अगर देखते हो, ये वीकली कैंडल जो हमारी क्लोज हुई है वो एग्जैक्ट $20,010 पे, बट स्टिल वेरी क्लोज टू 20,000। ओके, बट हम लोग अभी भी मुसीबत से बाहर नहीं निकले हैं। ओके, अब दिक्कत मुसीबत भरी क्या है, वो वही सिंपल सी बात है यार। देखो, ये एक बेयरिश फ्लैग था जिसको हम लोगों ने फाइनली नीचे की तरफ ब्रेकआउट दे दिया है। सो ये बहुत डेंजरस है यहाँ पे। सो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ट्रेड सिर्फ और सिर्फ बिटकॉइन में। ओके, शॉर्ट हम लोग नहीं कर रहे क्योंकि देखो बिटकॉइन टॉप के पास नहीं है। तो मैं शॉर्ट कहाँ करना है, जब बिटकॉइन अपने ऑल टाइम हाईएस्ट के पास हो, ना कि जबकि वो अपने प्रीवियस साइकिल के सपोर्ट के ऊपर हो। ओके, सो इसीलिए यहाँ शॉर्टिंग का कोई ऑप्शन नहीं है। हम लोगों ने 25% जो है वो ऑलरेडी डाला है बिटकॉइन के ट्रेड में, बाकी पैसा साइड पे रखा है, वो हम लोग बाद में यूज करेंगे, बट अभी के लिए और कोई भी ट्रेड नहीं। ओके, अब ये तो बात हुई टेक्निकली कि टेक्निकली अभी भी चीजें जो है वो खराब लग रही है। ओके, बट अगर तुम फंडामेंटली देखो, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे वही है यार, एक अच्छी न्यूज और ये टेक्निकल इवेंट जो है वो ऑटोमेटिकली एक फेक आउट बन जाएगा और बिटकॉइन वापस घूम फिर के इस बेरिश फ्लैग के अंदर आ जाएगा। ओके, और उसके लिए हमें कुछ खास करना नहीं है, हमें सिर्फ एक $3,000 का पंप देना है। ओके, अब ये पंप कहाँ आ सकता है मेरे भाई, सबसे पहले तो देखो यूके की जो प्राइम मिनिस्टर है नई अभी, लिज ट्रूस, हम सबको पता है ये बहुत ज्यादा बिटकॉइन फ्रेंडली थी, क्रिप्टो फ्रेंडली थी। इन्होंने पहले तो बड़ा ऐसा भाषण दिया था कि भैया क्रिप्टो लेके आओ, क्रिप्टो हर कोई यूज करना चाहिए। सो अब फाइनली ये प्राइम मिनिस्टर है, सो होपफुली क्रिप्टो के लिए कुछ अच्छी न्यूज आए, और अगर अच्छी न्यूज आती है तो तुम बिटकॉइन में बहुत मैसिव मूव देखने वाले हो, ये पहली बात। दूसरी बड़ी न्यूज, बैंक ऑफ रशिया जो है वो अग्री हो गया है कि जो भी क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स होंगे वो क्रिप्टो के थ्रू किए जाएंगे, उनको कोई दिक्कत नहीं है। तो ये बहुत बहुत सॉलिड और बहुत जबरदस्त न्यूज है। ओके, इसी के चलते अगर तुम देखोगे तो स्टॉक फ्यूचर्स भी है वो भी पॉजिटिव में ट्रेड कर रहे हैं, राइट? और अगर तुम ES1 का चार्ट देखोगे तो मैंने तुम्हें उस दिन भी बोला था कि हम लोग जो है वो अभी एक सपोर्ट के पास है। ओके, और यहां से अगर हम लोग वापस रेजिस्टेंस टेस्ट करने जाते हैं ना, तो तुम एक बहुत बढ़िया हायर लो बना रहे हो। ओके, बट एट द एंड ऑफ द डे फंडा बहुत सिंपल है, सो तुम्हें इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करना ही पड़ेगा। हम लोग बार बार यहां से रिजेक्ट नहीं हो सकते। अगर हम लोग फिर से 4200 से रिजेक्ट होते हैं ना, तो मेरे भाई तुम सीधा 3500 पे गिरने वाले। सो हमें यहां से वापस येलो को सपोर्ट बनाना है, व्हाइट को टेस्ट करना है, व्हाइट को सपोर्ट बनाना है। एक बार तुम 4300 या फिर 4400, अगर मैं लेके चलूं, एक बार तुमने 4400 टच कर दिया ना और कैंडल क्लोज की डेली वहां पे, हम लोग इस बेयर मार्केट से बाहर है। ओके, लेकिन तुम मेरे भाई वहां तक का वेट नहीं कर सकते। मैं तुम्हें वही कह रहा हूँ, जब चीजें सेल में बिक रही है ना, तो तुम्हें थोड़ी थोड़ी करके बाय करनी है, तुम्हें ये कंफर्मेशन का वेट नहीं करना, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे मार्केट कहीं ना कहीं बॉटम होके ट्रेंड रिवर्स होगा, और जब रिवर्स होगा तब तुम चीजें इतने सस्ते में बाय नहीं कर पाओगे। ओके, और इस हफ्ते में जो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हम लोगों को देखनी है, पहला बिटकॉइन $20,000 के ऊपर क्लोज हुआ, बहुत जबरदस्त। दूसरा जो होडलर्स है, ओके, सो मैं यहाँ वापस जाऊँ नीचे, ठीक है, यहाँ तो जो होडलर्स है वो अभी भी उसी स्ट्रेंथ के साथ बिटकॉइन को होल्ड कर रहे हैं, सो ये बहुत अच्छी न्यूज है। तीसरा, बिटकॉइन जो है अपने रियलाइज्ड प्राइस से जो है वो 50% नीचे है। ऐसा 2015 के बॉटम पे हुआ था, 2019 के बॉटम पे हुआ था, और अब शायद 2022 के बॉटम पे होगा। ओके, उसके अलावा अगर तुम देखते हो तो फेयर एंड ग्रीड इंडेक्स हम लोग स्टिल फेयर में है, जो बहुत अच्छी बात है। और प्लान बी ने भी वही बोला है, तुम ज्यादा देर तक बिटकॉइन के प्राइस को जो है वो ब्लू नहीं रख सकते हो। ब्लू जो है वो लोगों के डरने का मतलब है, फेयर का मतलब, ये एट दी एंड ऑफ द डे रेड होगा ही, और जब भी ब्लू आया है तो वो बहुत अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी ही हुई है।
उसके अलावा एक चीज और, इस मंथ में जो है, या ये महीना, तुम्हें मैंने हमेशा से बोला है सितंबर बहुत क्रूशियल है, एक बिटकॉइन ने हमेशा बुरा परफॉर्म किया है इस महीने में, और दूसरी चीज, सितंबर में ढेर सारे इवेंट्स प्लान्ड है, 13 को सीपीआई डेटा है, 15 को ईथ का मर्ज है, 16 को माउंट ग्रॉक्स का क्लेम्स का डेडलाइन है कि भैया उनको पहले चाहिए अपने बिटकॉइंस, मतलब बिटकॉइन तो क्या मिलेगा, तुम्हें इमिडिएटली चाहिए तो थोड़ा पैसा लो और आगे बढ़ो। सो वैसा फंडा है, तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी वो ऑप्ट करेगा, या शायद वो लोग जो बोलेगा यार ठीक है कुछ तो मिल रहा है वो ले लो, बट अगेन वो बेवकूफी ही होगी। उसके अलावा सितंबर 21 को FOMC का रेट हाइक डिसीजन जो डिपेंड करता है अभी भैया ये 13 तारीख पे। उसके अलावा 22 को अगर तुम देखते हो तो एडा का जो है वो वैसल हार्ड फोक है, सो ये भी बहुत जबरदस्त। काफी सारे इवेंट्स प्लान्ड है, और मुझे वही लग रहा है कि भैया एंड में जाते जाते ना, अभी तुम देखो अगर हो सकता है एक आधा डिप आए, लेकिन 21 के बाद हम लोग जो है वो बॉटम बता के वहां से हम लोग ऊपर जाना शुरू करेंगे, क्योंकि अक्टूबर बहुत बहुत मैसिव रहा है बिटकॉइन के लिए हमेशा से। इसके अलावा एक फर्ड और जो कॉइन टेलीग्राफ ने छापी है, जहां नेटफ्लिक्स बैन कर रहा है क्रिप्टो कमर्शियल्स को, सो मेरे भाई ऐसा कुछ नहीं है, तुम अगर आर्टिकल पढ़ोगे तो वो मतलब अभी देखो उनका नया ही है एडवर्टाइजमेंट बिजनेस, सो उनको ये सब नहीं चाहिए, तो वो काफी चीजें अवॉइड कर रहे हैं। तुम देखो पॉलिटिक्स, गैम्बलिंग, क्रिप्टो करेंसी, बच्चों को जो प्रोडक्ट्स बेचे जाए वो, सो काफी सारी चीजें हैं जो वो लोग अभी फिलहाल अपने एडवर्टाइजमेंट्स पे नहीं लाना चाहते, ताकि वो किसी कॉन्ट्रोवर्सी में ना फंसे, बट ऐसा कुछ नहीं कि उन्होंने बैन किया है। सो होपफुली डाउन द लाइन वो सब कमर्शियल्स भी जो है वो सामने आएंगे। ओवरऑल पिक्चर, अब क्योंकि US में आज भी छुट्टी थी, तो तुमने कुछ खास प्राइस मूव देखा नहीं है, लेकिन मार्केट जो है, सॉरी US में मंडे छुट्टी थी, और अभी आज जब मार्केट खुलेगी फ्यूचर्स ग्रीन में है, सो हम लोग होपफुली देखें कि ये हफ्ता स्टॉक मार्केट के लिए भी और क्रिप्टो मार्केट के लिए भी अच्छा हो, और एक छोटी सी रिकवरी आए, और उस रिकवरी में बिटकॉइन भैया $21,000 के ऊपर जाके बैठे। क्योंकि एक बार हम लोग 21,000 के पास आएंगे तो हम लोग वापस ये $22,000 को टेस्ट करने जा सकते हैं। ओवरऑल स्टिल लॉन्ग ट्रेड बना है, ओवरऑल स्टिल हम लोग धीरे धीरे DCA करेंगे, ओवरऑल स्टिल चुपचाप शांति से चीजें एक्यूमुलेट करते रहो। यही फिलहाल सबसे बेस्ट स्ट्रैटेजी है। बाकी अच्छी चीजें हैं, सो होपफुली इन अच्छी चीजों का नतीजा भी अच्छा देखने को मिले। बट टेक्निकली स्टिल हम लोग बुरे ही है, सो मेरे भाई बहुत ध्यान से, और बिल्कुल भी लेवरेज ट्रेडिंग मत करना, और बिल्कुल भी ऐसा ऑल्ट कॉइन्स में मत जाना ट्रेड लेने के लिए, उनको सिर्फ एक्यूमुलेट करो। तो चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही, वीडियो पसंद आई है तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, तुमसे कल मुलाकात होगी दोस्तों, थैंक यू सो मच।